भारत की अपनी सुपर बाइक सबसे ज़्यादा मशहूर और रेसर्स की पहली पसंद रहने वाली TVS RR 310 अब आ रही है 25 जनवरी को BS6 में। तो अब जो ये BS4 में थी तो BS6 में आने के साथ अपने साथ ये क्या नए बदलाव लेकर आ रही है, आइए जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अगर मैं इसके बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला बदलाव, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि इसमें आपको BS6 का इंजन मिल रहा है। अब जब ये BS6 का इंजन मिल रहा है तो बाकी गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको थोड़ा सा पावर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। जहां तक ये गाड़ी रेसर्स के लिए बनाई जाती है, रेसर पर्पज़ के हिसाब से बनाई जाती है, तो उसमें ज़्यादा पावर ड्रॉप तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव इसमें होने जा रहा है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद TFT स्क्रीन के साथ आपको, मतलब पूरा फुल जो स्क्रीन रहेगा वो यहाँ पर मिलने वाला है। वही अगला बदलाव, इसमें तीन मोड आपको दिए जा रहे हैं। पहला रहेगा कंफर्ट, दूसरा रहेगा स्पोर्ट और तीसरा रहेगा ट्रैक। तो ये तीन मोड आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, ये तीनों ही मोड अलग अलग स्पीड के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आप कंफर्ट पे चलते हो तो गाड़ी इजी चलेगी, आराम से चलेगी, और अगर आप स्पोर्ट मोड पर इसे चलाते हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा। वही अगर आप ट्रैक के मोड पर इसे चलाओगे तो डेफिनेटली, इसका नाम ही ट्रैक है तो उस तरह का रेसिंग टाइप का ये आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, स्पीड जो है प्रोवाइड करेगी। वही सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो इसमें आगे आने वाला बदलाव है वो है इसके टायर्स में। और जो इसमें टायर्स आपको इस बार मिलने वाले हैं वो मिशलिन रोड 5 के टायर्स मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टायर्स होते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ी में यूज़ करे जाते हैं, यानी कि जो टू व्हीलर होती है, जो सुपर बाइक्स होती है, जो रेसिंग के लिए यूज़ करी जाती है, उन तरह की गाड़ियों में ये जो है टायर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। और अगर वो टायर्स इस गाड़ी में 25 से 30 हज़ार तक की एक टायर की प्राइस आती है, तो ऐसे टायर्स अगर इस गाड़ी में आपको फिक्स करके दे रहे हैं तो ये वाकई एक बेहतरीन बढ़िया बदलाव इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। वही अगला बदलाव, इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट देखने को मिलेगा। स्मार्ट कनेक्ट मतलब इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल सकती है और वही मोबाइल नेविगेशन भी आपको इसमें मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वाकई ये एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन TVS द्वारा होने जा रहा है। बाकी जो अब इसके अगले बदलाव की मैं बात करूँ तो इसमें आपको फेयरिंग में कुछ जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसके ग्राफिक्स में भी आपको कुछ हद तक पहले के मुकाबले चेंज दिख सकते हैं। तो यह गाड़ी BS4 के मुकाबले जब BS6 में आ जाएगी तो इसमें आपको तरह तरह के न्यू नए डिजाइंस देखने को मिल सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होने वाली है। बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखो, प्राइस तो अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं की है, लेकिन जहाँ तक ये बात है इसमें कई सारे चेंजेस हो रहे हैं और जितने भी लीक्स निकल कर आए हैं उसमें आज की डेट के मुकाबले जो BS6 गाड़ी आ रही है तो इसमें BS4 के मुकाबले 10 से 15 हज़ार की हाइक देखने को मिल सकती है। तो अगर उस हिसाब से इसकी प्राइस देखी जाए तो 2,40,000 से लेकर 2,50,000 तक की ये गाड़ी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकती है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस हमेशा डिपेंड करती है अलग अलग प्लेसेस पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद वगैरह वगैरह, हर जगह प्राइस अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, जब हमें चलाने को मिलेगी, जब हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे, तब आपको इसकी पूरी डिटेल्स आगे दी जाएगी। ये तो मेरा चलो पहला वीडियो था, फर्स्ट इंप्रेशन था इस बाइक को लेकर। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे इंस्टा और ट्विटर की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर सबसे पहले अपडेट्स आपको इन सभी चीज़ों के बारे में दी जाती है। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।